नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सेना की चेतावनी, पत्थरबाजी नहीं रुकी तो रोक देंगे आतंकवाद विरोधी अभियान। आतंकियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले ऑपरेशनों के दौरान पत्थरबाजों द्वारा जवानों पर पत्थरबाजी कर आतंकियों को भगाने में सहायता करने की स्थानीय लोगों की रणनीति से परेशान सेना ने राज्य सरकार से कहा है, अगर वह इन पत्थरबाजों की लगाम नहीं कसती है तो वे मजबूरन इन अभियानों में शिरकत नहीं करेंगे। वेब दुनिया के जम्मू कश्मीर संवाददाता के अनुसार सेना राज्य सरकार को यह चेतावनी देने को इसलिए मजबूर हुई है क्योंकि रक्षा सूत्रों के अनुसार पिछले 4 महीनों में 30 से अधिक आतंकवादी इन पत्थरबाजों की मेहरबानी के कारण अभियानों के दौरान बच निकलने में कामयाब रहे। राहुल वने सिंघम हाथ जोड़ रहे हैं माया और अखिलेश। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के पहले ही पोस्टर बार शुरू हो गया है। मायावती के काली अवतार और केशव मौर्य के कृष्ण अवतार के बाद अब एक पोस्टर में राहुल गांधी को सिंघम बताया गया है। राहुल पोस्टर में 27 सालों से प्रदेश को लूटने वालों से निजात दिलाने एवं अत्याचार मिटाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में प्रदेश सरकार को दंगाइयों और बाहुबलियों की सरपरस्त सरकार बताया गया है। वहीं बसपा सुप्रीमो को घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को दंगाई और अपराधी के साथ ओबीसी को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया गया है। पोस्टर में चारों राजनीतिक सिंघम बने राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से अगस्ता मामले में पूछताछ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई ने सोमवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ की। एक जानकारी के मुताबिक त्यागी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने अगस्ता हेलीकॉप्टर डील के बिचौलियों से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में इसी हफ्ते त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई त्यागी के साथ साथ उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। कारगिल के शहीद की बेटी ने दिया शांति का संदेश। कारगिल के शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने भारत और पाकिस्तान को एक वीडियो के जरिए शांति का संदेश दिया है। फेसबुक पर एक 4 मिनट के वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि शांति की अपेक्षा करना और शांति के लिए कदम उठाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ पोस्टरनुमा संदेशों के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने का संदेश दिया है। जालंधर में रहने वाली गुरमेहर पिता की शहादत के समय सिर्फ 2 साल की थी। उन्होंने लिखा है कि आज मैं भी अपने पिता की तरह एक सैनिक हूं। मैं भारत पाकिस्तान के बीच शांति के लिए लड़ रही हूं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।